वचन सत्य वचन जीवन वचन हर घर में ईश वचन हर घर में ईश वचन। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 4 वाक्यांश 31 से 37। वे गलीलिया के कफरनाऊ नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे ढांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उनसे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में यह कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मंदिर तो प्रार्थना पूजा पाठ का पवित्र स्थान होता है और सबसे बड़ी बात है कि यह ईश्वर का निवास स्थान है। आज का सुसमाचार हमें अचंभे में डाल देता है कि मंदिर में भी शैतान रहता है। एक अवधूतग्रस्त व्यक्ति को अपने कब्जे में कर खूब सता रहा था। किसी विशालकाय शक्तिशाली खूंखार विनाशकारी वस्तु जानवर या मनुष्य से हमें भी डर लगता है। इस भयंकर जंतु शैतान भी एक है जिससे हमें डरना चाहिए, लेकिन इससे भी अधिक ईश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि वह शक्तिमान है। कहा जाता है कि ईश्वर का भय ही उद्धार और मुक्ति की शुरुआत है। अवधूतग्रस्त व्यक्ति यीशु से डरने लगा, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी। शैतान को मालूम हो गया कि यीशु कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। इस कथन से शैतान भी यीशु के बारे में लोगों के बीच प्रचार कर दिया। शैतान का राज्य अब नहीं चलने वाला। जिसने एक बार यीशु को जान लिया उसमें यीशु का राज चलता है। शैतान से उद्धार की खुशी हम दूसरों को भी बांटें। यीशु के विषय में सभी को जानकारी दे दें, ताकि वे भी सोचें और अपने उद्धार के लिए कुछ उपाय कर सकें। उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो अवधूतग्रस्त है या यीशु के विरुद्ध बोलते हैं और काम करते हैं। यीशु उन्हें चंगा कर दे। हम भी अपने पापों के कारण ईश्वर से भय रखें, किंतु हृदय की पवित्रता में उसके साथ प्रेममय संबंध बनाए रखें। आमीन।